तेलंगाना के AIMIM पार्टी से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के दौरे पर थे। यहां ओवैसी औरंगजेब के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी पहुंचे। इस पूरे मामले ने एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। मी सध्या औरंगाबाद पासून मैं इस वक्त औरंगाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर खुल्दाबाद शहर में हूँ। यहीं पर औरंगजेब का मकबरा है। आप मकबरे को मेरे पीछे देख सकते हैं। अब हम यहाँ इस मकबरे के ढांचे के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि ये मकबरा कब बना और दिल्ली के शासक का मकबरा महाराष्ट्र में क्यों है। ये है मकबरा, मिट्टी से बना हुआ साधारण मकबरा। इसके ऊपर सब्जा का पौधा उगाया गया है, झाड़ा है। मी सकाळी तक पोहोचलो तो काही पर्यटक या कबरीला भेट देण्यासाठी। मैं सुबह जब यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कुछ पर्यटक मकबरे पर जा रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो पीढ़ियों से इस मकबरे की हिफाजत कर रहे हैं, वो इसकी देखरेख करते हैं। ऐसे ही कर्मचारियों में से एक हैं शेख शुक्र। मकबरे की देखरेख में लगे अपने परिवार की वो पांचवी पीढ़ी हैं। ये मकबरा कब और कैसे बना इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। शेख शुक्र साहब, आपका स्वागत है BBC में। शुरू में हमें इस कब्र के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए साहब, ये है शहंशाह औरंगजेब आलमगीर बादशाह की मज़ार। इनकी वसीयत थी कि मेरी मज़ार सादी सिंपल गरीबों के जैसी बनाना, और मेहनताने के पैसे है टोपी बनवाई के 14 रुपये 12 आने, उसी में मज़ार तैयार करना, हुकूमत का पैसा मज़ार में नहीं लगाना। उस पीरियड में 14 रुपये 12 आने में मज़ार तैयार हुआ। और इस बाजू में इनके बड़े गुरु है, उनका नाम है सैयद ज़ैनुद्दीन सिराजी बावीस खाजा। इन्होंने कह दिए थे कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी मरा तो मेरे गुरुजी के पास लाके मुझे दफन करना। इनका इंतकाल अहमदनगर में हुआ, वहाँ से उन्हीं के डेड बॉडी को लाके इधर दफन किए। अमीरों के तरीक़ों से मखमल रेशम जरीन का चादर नहीं बिछाना, सफ़ेद सादा चादर बिछाना, मजबूत इमारत, ऊपर से कोई किस्म का छत वगैरह नहीं बनाना। इनका पूरा नेम है अबुल मुजफ्फर मोहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह साहब। 1027 में पैदास हुए, जुलूस हुक्म तक पे 1068 में बैठे, वफात इनकी 1118 में हुई। और एक सब्जे का पौधा है, इसी को शरबत में पीते ये ठंडा होता, एक एक साल में बदलते और पानी इसी को डालते रहते। औरंगजेब के निधन के बाद उनके बेटे आजम शाह ने ये मकबरा बनवाया था। इतिहासकार डॉक्टर दुलारी कुरैशी औरंगजेब के लिखित वसीयत के बारे में विस्तार से बताती हैं। इच्छा पत्र लिखलं होतं, त्याच्यात त्यांनी अगदी क्लियर लिखलं होतं की माझं लास्ट जे आहे माझे गुरु ते ख्वाजा हजरत ख्वाजा जैनुद्दीन शिराजी जे होते त्यांना आपले गुरु मानायचे। ते तर खूप पूर्वीचे होते, मोहम्मद तुगलकच्या वेळेचे होते, पण तरी त्यांना गुरु, त्याच्यात त्यांचं जे वाचन, ते वाचन खूप करायचे औरंगजेब, आणि त्याच्या वाचनात जे काही त्यांनी त्यांना खूप फॉलो केलं होतं शिराजीला। तर त्यामुळे त्यांना त्यांनी सांगितलं होतं की माझी कबर जी बांधायची तर शिराजीच्या जवळच बांधायची। आणखीन माझी जेव्हा कबर बांधाल तर मी जे पैसे अर्न केले आहेत त्याच्यात जितकं होईल तितकंच करायचं, आणि मातीमध्येच बांधायची, आणि एक सब्ज्याचं छोटंसं प्लांट लावायचं, एवढंच त्याची इच्छा होती। तर त्यांनी जे टोपिया बनवले होते, त्यांनी जे कुराण शरीफ लिहायचा, तर त्याच्यात जी कमाई झाली तर त्या कमाईतच त्या तिथे त्यांनी ते त्याचं लास्ट जे आहे कबर जी बांधली होती। खुलताबादचं महत्त्व, उस दौर में खुलताबाद को धरती पर जन्नत माना जाता था, इसके पीछे कारण क्या है? स्वर्ग तर काय धारणा होती खुलताबादची त्याबद्दलची? रोजा याचा अर्थ होतो स्वर्गातलं नंदनवन, जमिनीवरचा स्वर्ग कुठे आहे तो हा आहे असं म्हटलं जायचं। त्यामुळे मुंतजीबुद्दीनच्या निधनानंतरपासून सुफींचं आगमन इथं यायला सुरू झालं। हे सुफी काबूल, बुखारा, कंदार, समरकंद, इराण, इराक, पर्शिया या देशांमधून सुद्धा हे सुफी सतत प्रवास करत असायचे, आणि ते सगळे खुलताबादला यायचे। दक्षिण भारतामधला इस्लामचा गड असल्यामुळे, सुफी चळवळीचं केंद्र असल्यामुळे या ठिकाणी देश विदेशातून सुफी आलेले आहेत, त्या प्रत्येकाच्या कबरी खुलताबादमध्ये आहेत।
औरंगजेबाची नातसून बनी बेगम बागी। मैं एक झील के पास खड़ा हूँ, आप इस झील को यहाँ देख सकते हैं। औरंगजेब के मकबरे को लेकर भले ही राजनीतिक विवाद चल रहा है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से खुलताबाद अपने आप में अनूठा है। संकेत काय महत्व आहे खुलताबादचं पर्यटनाच्या दृष्टीने? पहिलं तर सातवाहन राष्ट्रकूट काळापासूनचे एव्हरेज अवशेष या ठिकाणी मिळालेले आहेत। सगळ्यात जवळ इथून 3 किलोमीटरवर वेरूळची कैलास लेणी आहे। खुलताबादमध्ये प्रमुख असे 12-15 मोठमोठे सुफी संतांचे दर्गे, ज्या ठिकाणी प्रत्येकाचे उरूस असतात, प्रत्येकाचे सण उत्सव असतात, त्यामुळे मुस्लिम समाजाचं वर्षभर इथे येणं असतं। जवळच खुलताबादमध्ये भद्रा मारुतीचं हे एक पुरातन मंदिर होतं, त्याचा जीर्णोद्धार झालेला आहे, त्यामुळे भद्रा मारुती हे सुद्धा एक मोठं पर्यटन स्थळ आणि धार्मिक स्थळ इथे आहे। दिल्ली के शहंशाह औरंगजेब ने 36 से 37 साल दक्कन क्षेत्र में बिताए। उन्होंने अपनी बेगम के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे दक्कन क्षेत्र का ताज कहते हैं।